वेलकम टू माई चैनल अनबॉक्स स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ मैकबुक के बिक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने के बाद काफ़ी लोगों को प्रिंटिंग इश्यूज में फेसिंग दिक्कत आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन और इसका हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम और बिल्ड हियर दिखाना चाहता हूँ। जो मेरा मैकबुक का OS है वो बिक्सर है और वर्जन 11.3.1 जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। और मैकबुक एयर जो मेरा बिल्ड हियर है वो अर्ली 2015 है। तो अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक एक बार भी प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड नहीं किया गया है, तो उसको आप सफारी पे जाके HP सपोर्ट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर पे क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन पर जाके अपना प्रिंटर का मॉडल नंबर टाइप करिए और वो आपको मॉडल नंबर आपके प्रिंटर पर ही ऊपर या कहीं ना कहीं मिल जाएगा जहाँ पे उसको जिसको इमेज में शो कर रखा है। जैसे मैं अपना प्रिंटर का मॉडल नंबर टाइप कर रहा हूँ HP लेजर जेट M1005। ये मेरे प्रिंटर का मॉडल नंबर है, सबमिट कर दिया गया। सबमिट करने के बाद सेम मेरे प्रिंटर का इमेज शो कर रहा है और यहाँ पर खोलने के बाद आपको दिखेगा कि आपका जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ के हिसाब से OS चेंज भी कर सकते हैं जो आप चाहें। मैं इसको अभी लेटेस्ट पे ही रखना चाहता हूँ तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पर आप ड्राइवर ऑप्शन में जाके आपको दो ड्राइवर शो कर रहे हैं, मैक प्रिंटर ड्राइवर और HP ईजी स्टार्ट। तो जो मैक प्रिंटर ड्राइवर है इसको आपको डाउनलोड करके रन करना है, जिनके लिए मैक प्रिंटर प्लग इन प्ले होता है। बट HP ईजी स्टार्ट उनके लिए जो वाईफाई प्रिंटर या ब्लूटूथ प्रिंटर यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली कस्टमर्स को जो दिक्कत आ रही है वो मैक प्रिंटर ड्राइवर में, इसको डाउनलोड करने के बाद वो अपने मैकबुक में रन नहीं कर पा रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मेरे। यहाँ पे आप खोलते हैं, इसको ओपन करने के बाद आपको दिखता है यहाँ पे एक पेज खोलता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, बट इनकेस यहाँ पर वो ऐसे ब्लॉक का शो करता है और शो करता है दिस वॉल्यूम डजेंट मीट द रिक्वायरमेंट फॉर दिस अपडेट। तो ये इशू काफ़ी लोगों को तंग कर रहा है और उनको लग रहा है कि प्रिंटर से उनका लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा और कन्फ्यूजन ये है कि वो सोच रहे हैं प्रिंटर में फॉल्ट है या मैकबुक में फॉल्ट है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप फिर से सफारी खोलिए, सर्च करिए एप्पल इंडिया। जैसे मेरा लोकेशन इंडिया है, मैं इंडिया सर्च कर रहा हूँ, आप अपने लोकेशन के हिसाब से जो सर्च करिए एप्पल लोकेशन के हिसाब से। आफ्टर खोलने के बाद आप सपोर्ट में जाइए, सपोर्ट में टाइप करिए HP प्रिंटर ड्राइवर। सर्च करने के बाद आपको दिखेगा पहला ऑप्शन ही HP प्रिंटर ड्राइवर वर्जन 5.1 फॉर मैक OS। जो आप देख सकते हैं HP के लिए साइट पे भी वर्जन 5.1 था, तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्रिंटर के लिए सपोर्ट करेगा और एप्पल की साइट से है, ये आपको उससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक पेज खुलेगा जिसमें आपको HP का वर्जन दिखा रहा है प्रिंटर का और डाउनलोड और आपको लिंक और डेट कभी पोस्ट किया गया था। जब उसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आफ्टर डाउनलोड के बाद आपका इस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा आपके स्क्रीन पे मैकबुक की। इसको ओपन करिए, एप्लीकेशन को रन करिए, आपका ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो आपको उसमें आपको प्रॉब्लम शो कर रहा था। आप इसको कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू एग्री। आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझको यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऐसे शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ जो मुझे नहीं करना, तो इसलिए मैं गो बैक करके इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता हूँ। चाहे तो आप देख सकते हैं सिस्टम प्रेफरेंस में इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है और मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, जैसे आपने HP की साइट से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको दिखता होगा कि आपको ड्राइवर सेलेक्ट करना पड़ रहा है या फिर काफ़ी इशू फेस आ रही है। लेकिन आपको जब यही चीज़ जब आप एप्पल की सही साइट से डाउनलोड करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपना प्रिंटर डायरेक्ट प्लग इन प्ले कर सकते हैं बिना किसी ड्राइवर को चूज़ करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर उसके नीड के हिसाब से डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और चैनल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल लगा और आपको कैसा आपका काम इससे ज़रूर बना। तो दर्शकों, थैंक यू सो मच, वॉच टिल एंड।
हैव गुड डे।